हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी को सफीना जी किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी, आलू और मटन की रेसिपी। एकदम विलेज स्टाइल में बताऊंगी ये रेसिपी, गांव में जिस तरह से बनाते हैं उसी टेस्ट में आज आप लोग को एकदम इजी तरीके से ये रेसिपी बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोग अगर पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर से पसंद आएंगे और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी को पूरा फुल वॉच करें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है मटन, जिसे कि मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, सफाई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 4 आलू। तो आलू को मैंने देखिए किस तरीके से कट कर लिया है, इसको मैंने एक आलू को 4 हिस्से में कट किया है, बड़ा साइज की आलू लिया है। साथ ही में यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज की प्याज लिया है, इसको मैंने पतले स्लाइस में कट किया है। और साथ में यहाँ पर मैंने लिया है कुछ मसाले, सभी खड़े मसाले लिया है यहाँ पर मैंने। आज जो हम ये रेसिपी बनाएंगे ना, एकदम खड़े मसाले से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 10 से 12 हरी मिर्ची लिया है, हरी मिर्ची को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और साथ में यहाँ पर मैंने लिया है एक लहसुन का, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ठीक है, ये पेस्ट नहीं है, इसको मैंने कूट लिया है। और अदरक को भी मैंने कूट लिया है, और इसको मैंने 2 इंच के करीब अदरक लिया था, इसको मैंने मोटा मोटा साइज करके कूट लिया है। आप चाहे तो इसको बारीक चॉप करके डाल सकते हैं अदरक को। तो ये सब यहाँ पर हमने ज़्यादातर खड़े मसाला से इस्तेमाल करके ये रेसिपी बनाएंगे, जो कि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और थोड़ा सा कुछ पाउडर मसाला भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, और साथ में यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा, मतलब 1 चाय के चम्मच के कम गरम मसाला पाउडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है कुछ खड़े मसाले, जो कि हम प्याज जब फ्राई करेंगे उसी टाइम में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है मसाला, क्या क्या लिया देख सकते हैं। 1 छोटा चम्मच लिया है जीरा, 1 बादियान का फूल, और यहाँ पर 10 से 15 लिया है मैंने काली मिर्च, और 4 यहाँ पर मैंने लिया है लौंग, और साथ में यहाँ पर लिया है 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, और दालचीनी का टुकड़ा लिया है 2 इंच के करीब, और 2 तेज़पत्ता। ये खड़े मसाला ज़रूर से हम इस रेसिपी में डालेंगे, जो कि ये खाने में, मतलब इसका जो खुशबू होता है, फ्लेवर होता है ना, बहुत अच्छा आता है इस रेसिपी में। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सारे यहाँ पर मैंने मसाला सब कुछ मैंने बता दिया है, अब चलते हैं यहाँ पर गैस में हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई बैठा दिया है। तो कढ़ाई में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है सरसों का तेल। तो ये रेसिपी मैं पूरा सरसों के तेल से ही बनाऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो जो भी हमने मसाला लिए थे ना, खड़े मसाला, इसमें तेल जैसे ही हमारे गर्म होएगा इसमें हम ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा इसको हमें भून लेना है। 2 यहाँ पर मैंने लाल मिर्च भी डाल दिया है, इसका सुगंध बहुत अच्छा लगता है। और इसको हम थोड़ा सा मसाला को भून लेंगे, जब थोड़ा सा मसाला चटकने लगेगा हल्का हल्का, इस तरीके से देख सकते हैं इसमें हल्का सा कलर आएगा, उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड कर देना है प्याज। तो प्याजों को आपको ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, पतला काटना है, क्योंकि हमने इसको प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पर मटन ऐड करेंगे। ये मटन आप अगर आप इस तरीके से कढ़ाई में बनाएंगे ना, इसकी स्वाद बहुत अच्छा आता है। और हमेशा तो ट्राई करते हैं हम कुकर में, प्रेशर कुकर में बनाने की, तो उसमें प्रेशर कुकर में क्या होता है ना, उसका जो भाप होते हैं ना, अंदर ही अंदर रह जाते हैं, बाहर होते भी है होते भी नहीं है, तो उसकी थोड़ा सा जो टेस्ट होता है ना, अलग होता है। और उसमें जब हम पूरा प्रेशर मटन जो होते हैं गल जाते हैं, उसके बाद हम इसको भुनाई करते हैं, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। और ये रेसिपी का टेस्ट थोड़ा अलग आता है, क्योंकि हम इसको बीच बीच में चलाते रहते हैं, और कढ़ाई में बनाते हैं खुला बर्तन में, बीच बीच में चलाते रहते हैं, ढकते रहते हैं, पकाते रहते हैं, तो इसकी भुनाई थोड़ा सा अलग टाइप के होते हैं, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरह से बनाते हैं हम लोग गांव में ज़्यादातर इसी तरह से बनाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करना, ये रेसिपी इजी भी है बहुत, और झटपट भी बन जाते हैं।
ऐसा कोई डर की बात नहीं है कि इसमें मटन गलेगा नहीं, बिल्कुल मटन गल जाएगा। तो देखिए प्याज यहाँ पर हमारे गल के रेडी हो चुका है, इसमें हल्का सा ब्राउन कलर आया है। उसके बाद ही हमने यहाँ पर ऐड कर देंगे अदरक का पेस्ट और लहसुन का जो हमने मोटा मोटा कूट के रखे थे उसे मैंने ऐड कर दिया। अभी प्याजों के साथ इसको मैंने भून लूँगी। इसको भूनने से ना बहुत एक अच्छा सा खुशबू आएगा, तो इसका कच्चापन दूर होते वक्त हमें इसको भून लेना है। जब तक अदरक लहसुन का जो एक कच्चा खुशबू होता है ना वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से प्याजों के साथ ये भुनाई हो जाए, इस तरह से हमें इसको भून लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड करेंगे मटन। तो ये रेसिपी फ्रेंड पूरा ज़रूर देखिए और रेसिपी को ट्राई करना ना भूलें, ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग आलू मटन बन के रेडी होता है ये। तो देखिए यहाँ पर मैंने मटन भी ऐड कर दिया है, अभी हमें प्याजों के साथ इस मटन को हमें भून लेना है। और यहाँ पर मैंने फैट के साथ लिया है ये मटन, जो कि बहुत फैट मुझे अच्छा लगता है खाने में, इसका जो चर्बी होते हैं ना मुझे अच्छा लगता है। तो आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वैसे भी चर्बी वाला जो मटन बनाते हैं हम वो उसके जो टेस्ट होते हैं ना बहुत अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैंने लगातार भुना है, देख सकते हैं। इसको हम इस तरह से इसलिए भून लेते हैं पहले, जो मटन का जो एक खुशबू होता है ना वो कच्चा खुशबू होता है ना वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से ये भुनाई हो जाए, इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आए, इसीलिए हमें पहले से इसको भून लेना है। जब इसका थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आने लगेगा यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्ची जो हमने कट करके रखे थे, और साथ ही में यहाँ पर मैं आलू भी ऐड कर दिया। और जो पाउडर वाली मसाला लिया था ना मैंने, कितना कितना लिया था मैंने वो तो वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया, वो भी मैंने ऐड कर दिया। और लास्ट में यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। और अभी हमें तमाम मसाला मिक्स करते हुए इसको हमें थोड़ी देर और भून लेना है, आलू के साथ भूनना है, ठीक है। आलू के साथ इसे हमें भुनाई कर लेना है, तो इसको हमें भुनाई कर लेंगे। तो देखिए ये एक भुनाई पहले हो चुका है, अभी फिर आलू के साथ ये भुनाई हो रहे हैं। आलू के साथ भुनाई होने के बाद फिर इसको जब इसका पानी सूखेगा उसके बाद फिर एक भुनाई करूँगी, तो तभी इस मटन की टेस्ट अच्छा आता है। तो अभी यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे, पानी ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर मटन को गलाना है और आलू को भी गलाना है, तो पानी यहाँ पर ज़्यादा ना डालें। मैंने यहाँ पर 2 गिलास भर के पानी डाला है, तो आप उतना ही पानी डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। तो ये पानी हम बाद में सुखा लेंगे, इसको भुनाई करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि इसको भुना खाने की तो आप भुना भी बना सकते हैं, अगर आप ग्रेवी करके बनाना चाहते हैं तो फिर बाद में इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने आलू और ये सब डालने के बाद, पानी ऐड करने के बाद देख सकते हैं अभी इसको हम कवर कर देंगे, और इसको कवर करके इसको 5 मिनट के लिए हाई हीट पे पका लेंगे। हाई हीट पे पकाने से हमारी पानी भी सूख जाएगा और आलू भी गल जाएगा, मटन भी हमारी गलेगा। वैसे भी आधा मटन तो हमारे गल ही चुका है पहले से ही, क्योंकि हमने जो इसको भुनाई किए हैं 2 से 3 बार, तो ऑलरेडी ये आधा गल चुके हैं। और उसके बाद देखिए ये गल गया है हमारे आलू, तो आलू को हम निकाल लेंगे पहले, फिर इसको हम भुनाई करेंगे। अगर आलू के साथ इसको हम भुनाई करेंगे तो हमारे जो आलू है पूरा ही टूट जाएगा, फिर इसका खाने का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। तो आलू हमें पहले से निकाल लेना है, आलू बिल्कुल हमारे गल के रेडी हो चुका है, तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। उसके बाद हम इसको इसका पानी सुखाते हुए इसको भुनाई करेंगे। इस मटन की रेसिपी आप 2 तरीके से इसको बना सकते हैं, एक तो इसका पानी सुखा के एकदम सूखा भुना कर सकते हैं, और या फिर आप इसको भुनने के बाद फिर पानी ऐड करके इसका ग्रेवी रेडी कर सकते हैं। तो मैं ये ग्रेवी वाला बनाऊंगी एकदम सालन वाला, पहले मैं इसको भुनाई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे आलू निकाल लिए हैं, तो आलू एक भी यहाँ पर बचना नहीं चाहिए, एकदम बिल्कुल निकाल लेना है। आलू अगर टूट के इसमें मिक्स हो जाएगा तो वो जो इसका जो स्वाद है एकदम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो सारे आलू यहाँ पर मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया है इस तरीके से, अभी हम इसको भुनाई करेंगे। तो देखिए इसको हम जैसे जैसे भुने जाएंगे ना इसका जो कलर है ना और भी चेंज होते जाएगा, और इसमें बहुत ही एक अच्छा सा खुशबू आएगा और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनती है ये फ्रेंड, ज़रूर से आप लोग ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। तो देखिए
इसका ग्रेवी देख सकते हैं आप लोग, इसको मैंने भूनते भूनते यहाँ तक लाया है। और बस अभी हमें यहाँ पर हरा धनिया डाल देना है। आप जितना ही यहाँ पर हरा धनिया डालेंगे उतना ही स्वाद आएगा। मेरे पास नहीं था, बहुत कम हरा धनिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत कम डाला है। आपके पास ज़्यादा हो तो आप ऐड कर दीजिएगा। और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर जो हमने आलू निकाल के रखे हैं ना, उसके बाद आलू को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो एकदम बिल्कुल ये हमारे भून के रेडी है। अगर आप इस तरीके से खाना चाहते हैं, बस आलू को डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लें और थोड़ा ही पानी यहाँ पर डाल के, अगर आप ग्रेवी करना चाहते हैं तो ग्रेवी कर लें, या फिर आप आलू डाल के फिर इसको मिक्स कर लें हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए। फिर ये आपकी आलू मटन भुना मसाला बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है बाद में, और इसको मैंने ग्रेवी टाइप कर लिया है। थोड़ा सा इसको बॉयल आने दूँगी, फिर ये एकदम बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से आप भी ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है ये। आप कोई भी पुलाव के साथ, रोटी पराठे के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये आलू मटन लगते हैं, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर से कर देना। लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, तो एक लाइक ज़रूर देना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे तक शेयर भी करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखना, ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन की वीडियो आप लोग को मिलते रहे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। खुश रहे, आबाद रहे, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। बाय बाय।